नमस्कार, मैं हूं मुकेश झा, आप देख रहे हैं ट्रू फैक्ट न्यूज़ को। शिवहर विधानसभा क्षेत्र से भावी प्रत्याशी हो सकते हैं रामाशंकर सिंह उर्फ रामचेला सिंह। आज उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया ट्रू फैक्ट न्यूज पर ऐलान किया कि शेर सिंह राणा के पार्टी से चुनाव लड़ सकते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि अगर अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा से शिवहर विधानसभा क्षेत्र से कोई भी कैंडिडेट खड़ा नहीं होता है तब वह चुनाव लड़ेंगे। अगर कोई भी कैंडिडेट खड़ा हो जाते हैं अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा से शिवहर विधानसभा क्षेत्र से तब रामाशंकर सिंह उर्फ रामचेला सिंह चुनाव नहीं लड़ेंगे। उन्होंने आज स्पष्ट कर दिया है ट्रू फैक्ट न्यूज इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया पर। जैसा कि आप तमाम दर्शकों को मैं बताना चाहूँगा रामाशंकर सिंह उर्फ रामचेला के बारे में कि 2014 में शिवहर लोकसभा क्षेत्र के प्रत्याशी रह चुके हैं। हम सीधा आप तमाम दर्शकों के बीच ये रिपोर्ट को दिखाना चाहते हैं कि रामाशंकर सिंह उर्फ रामचेला ने किस प्रकार से ऐलान किया। आइए सुनते हैं रामाशंकर सिंह उर्फ रामचेला का ये रिपोर्ट। आप हैं अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के शिवहर जिला अध्यक्ष रामचेला सिंह। आप बताएंगे कि आपने जो इससे पहले जो चुनाव जो लड़ा था लोकसभा क्षेत्र से और ऑल इंडिया फॉरवर्ड पार्टी से आपने लड़ा था, तो ये चुनावी पर्व में आप क्या चाह रहे हैं, आपकी क्या रहेगी कि आप खड़ा होंगे या नहीं होंगे, इसके बारे में आप हमारे तमाम दर्शक को बताएंगे। आपके मीडिया के तरफ से सभी अपने क्षत्रिय समाज को शिवहर विधानसभा में प्रणाम करता हूं और छोटों को आशीर्वाद देता हूं। रही बात 2020 विधानसभा शिवहर में अगर क्षत्रिय समाज का कोई भी अगर कैंडिडेट नहीं होते हैं अखिल भारतीय क्षत्रिय समाज से विधानसभा में अगर कोई कैंडिडेट नहीं होते हैं तो मैं चुनाव लड़ूंगा। जिस समय मैं 2014 में लोकसभा लड़ा था और ठीक 19 में हमारे समाज का यह चित्तौड़गढ़ शिवहर चित्तौड़गढ़ माना जाता है, यह वीर भूमि बाबू नवाब सिंह की धरती शिवहर कहा जाता है, लेकिन 19 में हमारे समाज का एक भी किसी दल से एक भी राजपूत उम्मीदवार नहीं हुए, इसलिए बहुत दुखद बात है। लेकिन मेरा अपील रहेगा, आग्रह रहेगा कि अगर मेरे समाज के कोई भी उम्मीदवार होते हैं तो मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं शेर सिंह राणा की पार्टी से विधानसभा शिवहर चुनाव लड़ूंगा। तो आप बताएंगे कि जो देख रहे हैं कि शिवहर विधानसभा क्षेत्र से बड़े बड़े दिग्गज हैं, जैसे ठाकुर रत्नाकर राणा जी हैं, नवनीत झा हैं, और आपको बता दूं कि जो प्रत्याशी के रूप में आपको श्री नारायण सिंह हैं, ऐसे ऐसे दिग्गज लोग के साथ में आप चुनाव में खड़ा होकर आप चुनाव लड़ेंगे, तो आप जनता का जो आपका स्थिति है, आपका जो जनसैलाब है, उसको देखते हुए आप अपने मन में क्या जाहिर करते हैं? ये सर, मेरा कहना है कि मेरा नाम रामचेला है, मैं नेता नहीं हूँ और न ही कोई दमंग हूँ और न कोई बड़ा लोग हूँ। मैं एक साधारण किसान का लड़का हूँ और शिवहर में रहना सहना है। हर दुख सुख में मैं शिवहर में जब तक कोई भी रामचेला को याद किया है तो वह चेला जरूर पहुँचा हो, वो रात हो, दिन हो, या बारिश बरसता हो, या कोई भी आफत हो। ये रही बात कोरोना काल का समय हो या किसी भी फंक्शन या किसी भी दुख दर्द में हम जरूर खड़ा रहे हैं। यह शिवहर की जनता और यहाँ का समाज हमको देखता है और वही लोग के आशीर्वाद से आज हम इतना माने शिवहर बाजार से लेके और विधानसभा में लगे रहते हैं, सब लोग के आशीर्वाद से लगे रहते हैं। रही बात शिवहर की विकास के लिए, तो विकास तो आपके ही नज़र में है, हम लोग भी देख रहे हैं, कोई पार्टी विकास विकास शिवहर में नहीं किया, वह कोई भी पार्टी हो, शिवहर को जो स्थिति हम लोग बच्चे में देखे हैं वही स्थिति आज तक बना हुआ है। न यहाँ शिक्षा की व्यवस्था है, न स्वास्थ्य की व्यवस्था है और न कोई माने विकास की व्यवस्था है। रही बात अफसरशाही यहाँ माने अपार माने घोटाला है, अपाल माने व्यवस्था है, यहाँ कोई सुनने वाला किसी का कोई नहीं है, यहाँ भगवान भरोसे माने वो सब व्यवस्था है। तो ये अफसरशाही कैसे खत्म होगी? अगर हमको समाज ने अगर मौका दिया तो मैं विश्वास देता हूँ
यहाँ का जितना घुसखोरी जितना गुंडागर्दी व्यवस्था अगर मैं नहीं बदल दिया तो राजनीति से मैं संन्यास ले लूंगा और सेवा से भी संन्यास ले लूंगा। ब्यूरो रिपोर्ट, ट्रू फैक्ट न्यूज़।